नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमिताभ वर्मा, आपका दोस्त और होस्ट। और सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक आईपीएल का सवाल है, आज मैच खेला जाएगा बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान के बीच में। ये डे एनकाउंटर है क्योंकि आज डबल हेडर मैचेस हैं और ये मैच खेला जाएगा दुबई में। और जहाँ तक हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात है तो टोटल इनके बीच में जो जीत और हार का अनुपात है, 9 में जीत मिली है बेंगलुरु को और 10 में जीता है राजस्थान। तो ऐसा कोई विशेष आंकड़ा नहीं जो किसी भी एक टीम को क्लियर फेवरेट बताए, हिस्टोरिकली किसी के ऊपर किसी की सुप्रीमेसी हो। टीम कंपोजिशन की बात करें तो जहाँ पहले हम बेंगलुरु की बात करेंगे तो टॉप ऑर्डर में इनके पास हैं एरोन फिंच, किंग कोहली, एबी डिविलियर्स जो कि इनको एलियन प्लेयर आजकल कहा जा रहा है, युवा पर्डिकल हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो शिवम दुबे हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। और बॉलिंग की बात की जाए नवदीप सैनी हैं, चहल हैं, मोहम्मद सिराज हैं, उडाना है। और सारे बैट्समैन ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं, पर मैं देखना चाहूँगा शिवम दुबे की जो एक ह्यूज रेपुटेशन है कि वो बहुत बड़े हिटर्स हैं। मैंने देखा कि उन्होंने कई बार हिट किया बट ही नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय द बॉलिंग अटैक, कि लगातार गुच्छों में चौके छक्के को झड़ी लगा दें, ऐसा मैंने शिवम दुबे को अभी तक करते हुए देखा नहीं है। और उनकी रेपुटेशन है तो वो भी ड्यू है कि किस तरह की ताबड़तोड़ इनिंग के लिए। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल की शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो था वो शारजा का जो छोटा मैदान है, छोटी बाउंड्रीज है, वहाँ सिमट के रह गया है। संजू सैमसन उनके पास टॉप ऑर्डर में शानदार बैट्समैन है, जोस बटलर हैं, स्टीव स्मिथ हैं, वो थप्पा अपने रंग में आते दिख रहे हैं हमें। बेन स्टोक्स जैसा कीमती प्लेयर है उनके पास जो किसी मैच का पासा पलट सकता है। और उसके बाद उनके बहुत खतरनाक दो ऑलराउंडर आते हैं, वो हैं तेवटिया हैं और रियान पराग। तेवटिया और पराग ने बिल्कुल हारा हुआ मैच पलट दिया अपनी बैटिंग से। तेवटिया इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम नहीं, लेकिन दो मैच अपनी बैटिंग के दम पर पलट चुके हैं, तो काफ़ी खतरनाक बैट्समैन है। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर को हम एक बॉलर के रूप में देखते हैं, पर जोफ्रा आर्चर ने भी जब मौका मिला बहुत लंबे लंबे हिट लगा के टीम को जिताया है। डेंजरस प्लेयर हैं राजस्थान रॉयल्स के पास। और बॉलिंग की बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर, जिनके नाम में ही उनके तरकश में बहुत सारे थीम छुपे हुए हैं, त्यागी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। उसके अलावा उनके पास एक हमेशा सदाबहार बॉलर हैं जयदेव उनाडकट, जिनके लिए बोला जाता है कि कटोरी बॉल डालते हैं। कटोरी बॉल्स मीन्स कटर्स, स्लो कटर्स डालते हैं बहुत सारी बॉल बेंगलुरु की। तो देखना होगा, नज़र रहेगी कौन कैसा परफॉर्म करता है, कौन किसको आउटप्ले करता है। जहाँ तक गट फीलिंग की बात है, मुझे लग रहा है कि भले बहुत बड़े स्टार प्लेयर राजस्थान के पास है, लेकिन टीम कंपोजिशन जो सेट हो गया है उसमें मुझे लग रहा है कि नथिंग टू चूज़। आज मैं 45-55 नहीं बोलूँगा, 48-52 से मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा पड़ला मोमेंटम के कारण बेंगलुरु का भारी हो सकता है। और एक चीज़ और, अगर कोई भी टीम पहले बैटिंग करते हुए 160 का रन क्रॉस करती है तो चेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि ग्राउंड है बड़ा, डे मैच है, विकेट्स हो रहे हैं स्लो। तो आई थिंक 160-170 प्लस विल बी अ पार स्कोर। और एक रोमांचक मैच की उम्मीद कर सकते हैं। एक बार फिर सारे दर्शकों को माता रानी की बहुत बहुत बधाई और एक शानदार सैटरडे का हम सब उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।